भाचिन युद्ध में सुशील के रिजांगला में अपना बलिदान देने वाले परमवीर मेजर शैतान सिंह की 18 नवंबर को पुण्यतिथि है। इस मौके पर जोधपुर के लोहावट में उनके गांव शैतान सिंह नगर में विशाल काव्य यहां पर संध्या का आयोजन होगा और आयोजनकर्ता विक्रमादित्य सिंह और राजेंद्र सिंह भाटी गंगा सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर के ख्यातनाम कवि अपनी वीर रसी की यहाँ पर कविताओं की प्रस्तुतियाँ देंगे। वही मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह खेनसावर और फालोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने इस काव्य संध्या का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान मंत्री शेखावत ने कहा है कि वीरों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है और हमारी ही धारा के परमवीर शैतान सिंह की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर से लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने आमजन से भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आह्वान किया। शहीदों का सम्मान और शहीदों का स्मरण हम सबको प्रेरणा भी प्रदान करता है और राष्ट्र के लिए समर्पित होने का भाव भी हम सब में, जज्बा भी हम सब में पैदा करता है। देश के लिए गौरव और देश के लिए अपना आत्मोत्सर्ग करने वाले परमवीर मेजर शैतान सिंह जी हम सब के लिए, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है और हम सौभाग्यशाली हैं कि परमवीर मेजर शैतान सिंह जी का जन्म हमारे अपने क्षेत्र में हुआ था। मेजर शैतान सिंह जी की स्मृति को एक बार फिर ताज़ा करने, उनके अदम्य शौर्य और साहस को लोगों के बीच में ले जाने और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सके, इस विषय को लेकर के उनके जन्म स्थान पर 18 तारीख को, आगामी 18 नवंबर को एक भव्य राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवियों का कवि सम्मेलन रखा गया है। तो 18 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसको लेकर विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इसी के साथ परमवीर मेजर शैतान सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे और पोस्टर का विमोचन भी किया गया। तो 18 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन है जिसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटी है।